जब भी आपको किसी को इम्पोर्टेंट कॉल लगाना होता है तभी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, जिसमें आपको क्लियरली बता देता है कॉल एंडेड। आपके इसमें बैलेंस भी है, नेटवर्क भी अच्छा है, फिर भी आपको कॉल एंडेड वाली प्रॉब्लम आती है। और ये आपको किसी किसी नंबर पे आती है, ये आपको हर नंबर पे भी आ सकती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, अगर आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा फॉलो करना है, तो आपका ये जो भी प्रॉब्लम है कॉल एंडेड का ये सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, देन आपको यहाँ सर्च करना है, आपके मोबाइल में कोई भी डाला हो तो सिंपल से आपको कॉल पे सिलेक्ट करना है और जो भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल बता रहा है उसको अपडेट करना है। अगर आपके पास ट्रू कॉलर है उसको अपडेट करना है, अगर आपके पास MI का मोबाइल है तो उसमें आपको और डायलर मिलेगा उसको अपडेट करना है, या आपके पास कोई भी एक गूगल का जिसके जैसे आपको यह देखने के लिए मिलता है गूगल बाय फोन, मतलब फोन का एक डायलर रहता है गूगल का, तो उसको आप भी देख सकते हो। और इसमें आपको अपडेट का ऑप्शन कहाँ शो होगा, आपको देखो व्हाइट कलर में एक अपडेट का शो ऑप्शन होगा, इसको आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपकी ये 100% प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी, अगर ये एप्लीकेशन की तरफ से प्रॉब्लम है तो। अगर आपके सिम में प्रॉब्लम है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आ जाना होगा, और सिम में सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क्स का, इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो जैसा बता रहा हूँ वैसा करना, एकदम ध्यान से देखना, यहाँ से आपकी ट्रिक मेन शुरू होती है। सबसे पहले तो आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन मिल रहा है आपको कॉल सेटिंग्स का, देख सकते हो, इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको यहाँ मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ देखना है आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। अगर आपके पास मोर सेटिंग्स में ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग्स में आ जाना है और यह एक ऑप्शन मिल रहा है आपको एडिशनल सेटिंग्स का, इस पर क्लिक कर देना है और इसमें से आपको जो भी सिम में प्रॉब्लम आ रही है उसको सिलेक्ट कर देना है। तो मुझे सेकंड सिम में प्रॉब्लम आ रही तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से हमारे इसमें रेडिंग का ऑप्शन मार रहा है, तो आपको यहाँ देखो कॉल वेटिंग का ऑप्शन को ऑन करना है 1 मिनट के लिए और उसके बाद सिंपल से आपको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद फिर से इसे ऑफ कर देना है और ऑफ करने के बाद फिर से हमें थोड़ी देर यहाँ वेट करना होगा ताकि ये प्रोसेसिंग हो जाए। उसके बाद हमको इसके बाद बैक लेंगे, बैक लेने के बाद आपको सिंपल से नीचे स्क्रॉल करना है और सिम सेलेक्ट को आपको कर देना है जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको। उसके बाद आपके इसमें डाटा रोमिंग इस तरीके से ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है जरा चुप के लिए, और उसके बाद आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करके अगर आपके इसमें 4G 5G ये सिलेक्ट है तो इसको आपको कट करके 2G पे सिलेक्ट करना है बस 5 मिनट के लिए। अगर आपका 2G पे कॉल लग जाता है फिर आपको क्या करना है, इसे 4G पे ला के फिर कॉल करोगे तो आपका कॉल लग जाएगा इस तरीके से। तो आपको यह कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही देगा। उसके बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है और ये आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और रिसेट एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करके आपको रिसेट एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका जो भी APN सेटिंग्स है वो रिस्टोर हो जाएगा। इसके मदद से आपका इंटरनेट भी अच्छा चलने लगेगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो कॉल का वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम फिर से इसे बैक लेंगे और इसके बाद आपको अपना इंटरनेट ऑफ करना है और ये आपको जो ऑप्शन बता रहा है एनेबल का तो इसको आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि आपको इसमें जो भी डिसेबल करोगे तो जो भी आपका नेटवर्क कनेक्शन में एरर आ रहा है वो सारा फिक्स कर देगा। गारंटी देता हूँ भाई, अगर मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा फॉलो करते हो ना तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी मदद से ही आपका कॉल एंडेड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हो इसे फिर उसे हम ऑन कर देंगे, ऑन कर देने के बाद फिर से या थोड़ी देर वेट कर लेंगे, तो या थोड़ी देर हम वेट करते हैं और ये इनेबल हो चुका है फाइनली और नेटवर्क भी हमारा आ चुका है। तो देख सकते हो आपका कोई भी सिम हो सकता है, VI हो सकता है, Jio हो सकता है, Airtel हो सकता है, आपको यही ट्रिक फॉलो करना है। उसके बाद आपको सिंपल सा इसको यहाँ से हटा देना है और इसके बाद आपको अपने मोबाइल के बैनर में आना है और यह एक ऑप्शन मिलेगा आपको एरोप्लेन मोड का, इसको ऑन कर देना है। इसको आपको 5 से 10 मिनट के लिए ऑन रखना है, फिर आपकी प्रॉब्लम इसमें से भी सॉल्व हो जाती है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको तो आपका स्पेशल में अलग अलग डिवाइस में अलग अलग वर्क करता है, तो कोई भी एक मेथड आपका वर्किंग हो जाएगा। तो इसके बाद देख सकते हो इसको भी ऑफ कर देना है आपको और उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। और आपको मैं जो मेन ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको देखना है, आपको कॉल लगाते टाइम आपको अपना इंटरनेट को ये ऑन हो रहता है ना, तो इसको ऑन नहीं रहने देना, इसको ऑफ करना है, फिर आपको कॉल लगाना है, तो आपका ऐसे भी ट्रिक हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइनली अपने मोबाइल के पावर बटन को ऑन करके रखना है और अपने मोबाइल को पावर ऑफ करना है, क्यों, क्योंकि आपको जो भी इससे ये प्रॉब्लम है ना इससे भी होती रहती है। तो उसके बाद आपको रिस्टार्ट करना है अपने मोबाइल को और उसके बाद आपको अपना सिम स्लॉट को बाहर काटना है और आपको एक्सचेंज करना है, मतलब आपको 1 सिम को 2 में डालना है, 2 सिम को 1 में डालना है और फिर आपको कॉल लगाना है, तो आपका प्रॉब्लम ऐसे फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको पूरे यूट्यूब पर बता देंगे तो आपको घुमाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। जो मैंने ट्रिक बताई है यही ट्रिक एकदम रियल है, इसको आप फॉलो करो, अदरवाइज कोई भी ट्रिक इसमें काम नहीं करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।